हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार, आप सभी का वेलकम। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। कंफर्म करें आपका ऑडियो और वीडियो एक्सेसिबल है। प्लीज कंफर्म योर ऑडियो वीडियो इज ओके। तो एक बार फिर से आप सभी को नमस्कार। क्विकली कंफर्म कर दीजिए। आपका ऑडियो, आपका वीडियो इट्स ओके। सॉरी फ्रेंड्स। सो चलिए शुरू करते हैं आज के डिस्कशन को। तो कल हम डिस्कशन कर रहे थे इंडियन इकोनॉमी के ऊपर। सो इंडियन इकोनॉमी को हम अगले पार्ट में लेंगे। तो हमारा वही मॉड्यूल ए, वही चैप्टर वन, और उसमें आगे हम चलेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। सो इंडियन इकोनॉमी की जो पोजीशन है 2008 से लेकर के आफ्टर 2008 क्या पोजीशन रही। सो इंडियन इकोनॉमी पोजीशन टिल 2008 एंड आफ्टर 2008। तो ये जो डिस्टिंक्शन है बिटवीन 2008 एंड आफ्टर 2008, सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस। इन 2008 देयर वाज ए ग्रेट फाइनेंशियल क्राइसिस वर्ल्ड ओवर। वर्ल्ड ओवर एक फाइनेंशियल क्राइसिस था विच इज नोन एज ग्रेट फाइनेंशियल क्राइसिस और ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। सो उससे पहले पोजीशन क्या थी और उसके बाद पोजीशन क्या है, दैट इज इट इज रेफर्ड एज। सो इंडियन इकोनॉमी टिल 2008 एंड आफ्टर 2008। तो चलिए इसके जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं उनको देख लेते हैं। फर्स्ट वी टेक 1951 to 1980। तो 1951 में वी हैड स्टार्टेड द प्रोसेस ऑफ फाइव ईयर प्लान्स। तो पांच साल का प्लान का सिस्टम शुरू हुआ था। तो वहां से लेके एक फेज हम लेते हैं 1980 तक का। इस फेज में क्या रहा, इंडियाज ग्रोथ रेट वाज स्लो ड्यूरिंग फर्स्ट थ्री डिकेड्स आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो ये तीन डिकेड्स बनती हैं, तीन दशक बनते हैं। तो इन तीन दशक में जो हमारा ग्रोथ रेट था दैट वाज स्लो एंड दिस वाज द पीरियड इमीडिएटली आफ्टर आवर इंडिपेंडेंस। सो ग्रोथ रेट वाज स्लो ड्यूरिंग दीज फर्स्ट थ्री डिकेड्स। In 1978, Professor Raj Krishna coined the phrase Hindu rate of growth. 1978 के अंदर Professor Raj Krishna ने ये term coin की। So ये term है Hindu rate of growth। सो इसी पीरियड में 1951 और 1980 के अंदर जो हमारा ग्रोथ रेट था इकोनॉमी का वो स्लो था एंड ही कॉल्ड इट हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। तो इंडियन इकोनॉमी के रेट को, ग्रोथ रेट को ये रेफर करता है हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। सो दिस टर्म रेफर्स टू इंडियाज प्लान्ड इकोनॉमीज लो एनुअल ग्रोथ रेट। तो ये टर्म किसको रिलेट करता है, हिंदू ग्रोथ रेट। इंडिया की जो प्लान्ड इकोनॉमी थी फाइव ईयर प्लान, उसमें जो लो एनुअल ग्रोथ रेट था, सो ऑन एवरेज बेसिस दिस वाज ऑलमोस्ट 3.5%, 3.5% के आसपास का ये ग्रोथ रेट था।
Now, 1980 to 1990, तो यहां पे ये 10 ईयर का पीरियड लिया गया है. सो हियर वी शुड रिमेंबर दैट दिस पीरियड वॉज जस्ट इमीजिएटली बिफोर द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स प्रोसेस. सो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का जो प्रोसेस है, इट स्टार्टेड इन 1991 और ये पीरियड जस्ट उससे पहले का है. सो वन डिकेड है, एक दशक का पीरियड. इट वॉज पीरियड ऑफ इकोनॉमिक बॉयंसी एंड रिकवरी. तो इस पीरियड में हमारा जो ग्रोथ रेट था वो बहुत इंक्रीज हुआ और इकोनॉमी ने काफी कुछ रिकवर किया. सो इट वॉज पीरियड ऑफ इकोनॉमिक बायंसी एंड रिकवरी. सो तेजी से हमारी रिकवरी हुई, तेजी से हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ इंप्रूव हुई. ड्यूरिंग सिक्स्थ फाइव ईयर प्लान जो 1980 से 1985 की थी, इंडिया ब्रोक द कर्स ऑफ हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ. जो हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ था इसको हमने कवर किया. मीन्स हमारा जो ग्रोथ रेट है, इट मूव्ड अप फ्रॉम 3.5%. सो ड्यूरिंग सिक्स्थ फाइव ईयर प्लान इंडिया ब्रोक द कर्स ऑफ हिंदू ग्रोथ रेट. सो हायर गवर्नमेंट स्पेंडिंग, ये इम्प्रूवमेंट कैसे आई? इट केम बिकॉज ऑफ हायर गवर्नमेंट स्पेंडिंग. तो गवर्नमेंट ने स्पेंडिंग इसमें हाई की. और फिस्कल स्टिमुलस दिए इकोनॉमी को. तो फिस्कल स्टिमुलस की बहुत जरूरत थी, तो फिस्कल स्टिमुलस दिए. तो कुछ होते हैं मॉनेटरी स्टिमुलस, मॉनेटरी स्टिमुलस. सो मॉनेटरी स्टिमुलेट मीन्स यहां पे एक्शन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है, लिक्विडिटी को इंप्रूव करना या इस प्रकार के एक्शंस लेना. एक होते हैं फिस्कल स्टिमुलस. जो फिस्कल स्टिमुलस हैं, सो दीज आर रिलैक्सेशन गिवन बाय द गवर्नमेंट, या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इनकर करती है. सो फिस्कल रिलेट्स टू गवर्नमेंट स्पेंडिंग. और गवर्नमेंट असिस्टेंस, सो इस पीरियड में गवर्नमेंट ने फिस्कल स्टिमुलस प्रोवाइड किए इकोनॉमी को, एंड एज ए रिजल्ट वी वर एबल टू कम आउट ऑफ द हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ. तो हम उससे बाहर आ सके. नाउ नेक्स्ट पीरियड है 1992 से लेके 2008 तक का पीरियड. रातर हम ये भी कह सकते हैं 1991 से लेके 2008 का पीरियड. सो 2008 के ऊपर हम ब्रेक यहाँ पे इसलिए लगा रहे हैं कि ग्रेट और ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस इस साल में अपीयर हुआ. तो हमारे इकोनॉमिक रिफॉर्म से लेकर के टिल जीएफसी पीरियड, जीएफसी मींस ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस और ग्रेट फाइनेंशियल क्राइसिस. सो इट इज रेफर टू एज पोस्ट रिफॉर्म पीरियड. तो इस पीरियड को हम पोस्ट रिफॉर्म पीरियड कहते हैं, बिकॉज 1991 में हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए. सो इट इज रेफर टू एज पोस्ट रिफॉर्म्स पीरियड.
the implementation of reforms in 1991 and adoption of LPG, liberalization, privatization and globalization. तो 1991 में जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ रिफॉर्म्स का, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का, उसी में फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स भी थे. एंड वी अडॉप्टेड लिबरलाइजेशन, हमने अपने बहुत सारे रूल्स को रिलैक्स किया. प्राइवेटाइजेशन, सो प्राइवेट कंपनीज को एनकरेज किया टू अंडरटेक बिजनेस. ग्लोबलाइजेशन, सो ग्लोबलाइजेशन हमारी इकोनॉमी को हमने इंटेग्रेट किया विद वर्ल्ड इकोनॉमी. तो ये तीन वर्ड्स हैं, इनका मीनिंग ठीक से नोट कर लेंगे. लिबरलाइजेशन मीन्स रिलैक्सेशन इन रेगुलेशंस, जो स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस थी उनमें रिलैक्सेशंस दिया देना. प्राइवेटाइजेशन मीन्स टू एनकरेज द प्राइवेट सेक्टर to do more economic activity. Globalization means integration of Indian economy with world economy. तो जो हमारे borders थे उनको हमने open किया. And there was positive economic outcome and higher GDP growth rate. इससे जो outcome थे, economic outcomes, वो positive थे और हमारे जो growth The main reason for high growth rate was increase in the inflow of foreign capital. तो इस पीरियड में जो हाई ग्रोथ रेट रहे उसके पीछे जो मेन रीजन था, there were other reasons also. The main reason was inflow of foreign capital. तो reforms के चलते जब हमने अपने economy को global economy के साथ integrate किया तो we got a lot of money इन द फॉर्म ऑफ फॉरेन कैपिटल. तो फॉरेन कैपिटल का बहुत सारा पैसा हमें मिला. फ्रॉम 2002 टू 2003 टू 2006 टू 2007 हमारा जो ग्रोथ रेट था दैट वॉज 8.6% एंड वी बिकेम वर्ल्ड्स सेकेंड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी आफ्टर चाइना. तो 2002 3 से 2006 7 तब जीडीपी ग्रोथ रेट वाज 8.6% पर एनम एंड वी वर सेकंड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी आफ्टर चाइना. सो आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर सो फार. यहाँ तक हर चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर है और आपने हर चीज़ को अच्छे से नोट कर लिया है. अगर ऐसा है तो क्विकली स्माइलिंग आइकन पोस्ट करके कन्फर्म कर देंगे. एंड इफ यू हैव सम क्वेश्चन यू कैन टाइप योर क्वेश्चन ऑल्सो. यस, डू इट क्विकली. I'm waiting for your confirmation. एक important chapter है जहाँ से जब पहले ये CIB के syllabus में हुआ करता था chapter, तो यहाँ से questions लगातार पूछे जाते थे. तो at one point time ये CIB का part था. Yes, quickly मुझे confirm कर देंगे. Your everything you have been able to understand and you are noting down everything. Quickly कर दीजिए confirm. All of you सभी कर देंगे confirm. बहुत सारे student class में हैं तो कर दीजिए confirm quickly. So handwritten notes बनाना ये बहुत important आपके exam के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम के समय फिर आपको बुक को रेफ़र करने की या किसी और चीज़ को रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. तो यू कैन सिंपली बैंक अपॉन योर नोट्स.
नो, अब हम बात करेंगे 2008 से लेकर के करंट पीरियड तक। सॉरी फ्रेंड्स, सो पोस्ट जीएफसी टिल करंट पीरियड, जिसमें हमारा कोविड पीरियड भी बीच में आ जाता है। तो व्हाट हैड बीन द पोजीशन ड्यूरिंग दिस पीरियड, तो अब हम उस पीरियड को टेकअप करते हैं। हमारे कुछ स्टूडेंट्स इतना कष्ट भी नहीं करते कि उनसे अगर पूछा गया कि कन्फर्म कर दो तो वो कन्फर्म भी नहीं करते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से, जिन्होंने अभी तक कन्फर्म नहीं किया है वो स्माइलिंग आइकन पोस्ट करके कन्फर्म कर देंगे दैट दे हैव क्लैरिटी ऑन एवरी इशू एंड दे हैव नोटेड ऑन एवरीथिंग। सो जो जो रहते हैं क्विकली कंप्लीट कर देंगे। नाउ इन ऑर्डर टू मिटिगेट द इफेक्ट्स ऑफ जीएफसी, गवर्नमेंट प्रोवाइडेड फिस्कल स्टिमुलस टू द इकोनॉमी। सो 2009 के अंदर गवर्नमेंट ने फिस्कल स्टिमुलस इकोनॉमी को प्रोवाइड किया। इससे पहले भी फिस्कल स्टिमुलस प्रोवाइड किए गए एंड वंस अगेन ये फिस्कल स्टिमुलस प्रोवाइड किया गया इन द ईयर 2009। 2009 में जो बजट प्रेजेंट हुआ तो उसमें ये इंसेंटिव प्रोवाइड किया गया, सो दैट जो इफेक्ट था ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस का उसको रिड्यूस किया जा सके, उसको मिटिगेट किया जा सके। द इकोनॉमी वॉज हेल्प्ड बाई थ्री स्टिमुलस पैकेजेस टोटलिंग 1.86 लाख करोड़। सो इकोनॉमी को हेल्प किया गया था तीन स्टिमुलस पैकेजेस दे करके, और इन तीन स्टिमुलस पैकेजेस की जो टोटल वैल्यू थी दैट वाज 1.86 लाख करोड़। उसका अमाउंट इट वाज 3.5% ऑफ जीडीपी, जीडीपी के 3.5% का ये अमाउंट था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ड्रामेटिकली ईज्ड मॉनेटरी कंडीशंस। सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी जो मॉनेटरी कंडीशंस थी लिक्विडिटी को रिलेटेड, तो उनको ईज कर दिया। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इंजेक्ट किए 5.6 लाख करोड़ इन डोमेस्टिक एंड एक्सटर्नल लिक्विडिटी। सो इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए लिक्विडिटी की जरूरत थी, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 5.6 लाख करोड़, जो रफली 9% था जीडीपी का, तो वो पैसा लिक्विडिटी का रिलीज किया। और इन सभी का रिजल्ट क्या हुआ, वी वर एबल टू विदस्टैंड द इंपैक्ट ऑफ ग्रेट फाइनेंशियल क्राइसिस। सो इंडिया एट दैट टाइम वाज द ओनली इकोनॉमी मोर और लेस जो के जीएफसी से बच पाई। सो इकोनॉमी रिकवर्ड इंप्रेसिवली बट क्रिएटेड लार्ज फिस्कल डेफिसिट। तो जो फिस्कल स्टिमुलस दिया गया तो उसका इंपैक्ट क्या हुआ कि हमारा जो फिस्कल डेफिसिट था वो इंक्रीज कर गया। सो फिस्कल डेफिसिट इंक्रीज्ड, तो जिसको आने वाले सालों में रिड्यूस किया गया फिस्कल डेफिसिट को बाय एंड बाय। सो फिस्कल डेफिसिट ग्रीव बियॉन्ड द लिमिट सेट बाय फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। तो एफआरबीएम जो एक्ट है इसमें फिस्कल डेफिसिट का लिमिट है 3% ऑफ जीडीपी का, एंड एट दैट टाइम बिकॉज ऑफ द फिस्कल स्टिमुलस ये इंक्रीज कर गया था। आई थिंक इट वेंट अप टू 4.5% और सो, आई एम नॉट वेरी क्लियर, बट इट वेंट बियॉन्ड द लिमिट अकॉर्डिंग टू फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। तो इसी पीरियड के अंदर
पॉलिसी सच एज जीएसटी 2017 के अंदर, और उसी साल में इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 उसको लागू किया गया। सब्सिक्वेंट पीरियड में कॉरपोरेट टैक्स कट किए गए, आई थिंक इट वाज 2018 और 19। देन देयर वाज डीमोनेटाइजेशन आल्सो इन द ईयर 2016। तो ये चार इम्पॉर्टेंट पॉलिसीज थी इसी पीरियड के दौरान जिनको इम्प्लीमेंट किया गया। सो जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन फ्रॉम 1 जुलाई 2017, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 का इम्प्लीमेंटेशन, देन कॉरपोरेट टैक्स कट, जहां जो कॉरपोरेट टैक्स है उसको फ्रॉम ए रेट आई थिंक अराउंड 30%, तो उसको रिड्यूस करके हम 23-22% के आसपास लेकर के आए। एंड डीमोनेटाइजेशन ऑफ कोर्स यू नो इट वेरी वेल, बिकॉज उसको इम्प्लीमेंट करने में सबसे बड़ा रोल बैंकों का रहा था। द साइक्लिकल स्लो डाउन दैट हैड बिगन इन इंडियन इकोनॉमी प्रायर टू आउटब्रेक ऑफ पेंडेमिक वॉज इंक्रीज्ड बाई द पेंडेमिक। तो पेंडेमिक जो हमारा कोविड का इम्पैक्ट है उसके आने से पहले ही साइक्लिकल स्लो डाउन हमारी इकोनॉमी का शुरू हो गया था। तो द स्लो डाउन हैड बिगन इन 2019-20 इटसेल्फ बिफोर आउटब्रेक ऑफ COVID-19। तो इकोनॉमिक स्लो डाउन स्टार्टेड फ्रॉम 2019-20 से वो शुरू हो चुका था, लेकिन कोविड ने उसको फिर फर्दर इंक्रीज कर दिया। सो 2019-20 का जो फिस्कल ईयर था, इकोनॉमी एक्सपेंडेड ओनली बाय 4%। 2019-20 के अंदर हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी दैट वाज ओनली 4%। एंड 2020-21 की जो हमारी ग्रोथ रेट था दैट वाज इन माइनस, आई थिंक इट वाज -21% और सो। तो ये रही हमारी ग्रोथ रेट की हिस्ट्री स्टार्टिंग फ्रॉम 1951 टिल 2021। तो आई एम श्योर हर चीज़ हमने इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर ली है। तो जिनका लाइक डिसलाइक अभी तक नहीं हुआ है वो क्विकली लाइक डिसलाइक को कंप्लीट कर देंगे। फ्रेंड्स, इंडियन इकोनॉमी को लेकर के हमने बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस MCQs वो डेवलप कर लिए हैं। आने वाले दिनों में प्रैक्टिस के लिए आप इन मल्टी चॉइस क्वेश्चंस को यूज़ कर पाएंगे। सो वी आर इन द प्रोसेस, काफ़ी सारे हमारे डेवलप हो चुके हैं इंडियन इकोनॉमी के ऊपर। तो सभी चैप्टर्स को कवर करने के लिए आवर टीम इज़ वर्किंग ऑन दैट, एंड आई थिंक अनदर 2-3 वीक्स हम आपको हेल्प करना शुरू कर लेंगे विद प्रैक्टिस क्वेश्चंस। सो स्ट्रक्चरल चेंजेस इन इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी के अंदर कौन कौन सी स्ट्रक्चरल चेंजेस हुई, स्ट्रक्चरल चेंजेस। सो इंडियन इकोनॉमी पोस्ट COVID-19, सो कोविड का जो इम्पैक्ट शुरू हुआ उसके बाद में क्या हुआ। सो पोजिशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी इन द आफ्टर COVID-19 अक्रेंस। सो इंडिया फेस्ड 3 major shocks ओवर द टाइम पीरियड। इंडिया ने 3 major shocks फेस किए, यानी 3 बार हमारी इकोनॉमी को बड़ा धक्का लगा।
सो ये तीन जो शॉक्स थे वो किस किस पीरियड के हैं और उसका नाम क्या है। सो पहला था 1991 का, जब हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए, तो देन वी फेस्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। तो जैसा पिछले दोनों में श्रीलंका ने फेस किया या पाकिस्तान या बांग्लादेश ने फेस किया, तो उसी तरह का बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हमने 1991 में फेस किया था एंड वी केम आउट सक्सेसफुली आउट ऑफ दैट। देन मेजर लिबरेशन ड्राइव दैट रेज्ड इंडियाज ट्रेंड ग्रोथ। तो लिबरलाइजेशन जो ड्राइव थी, यानी जो हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए उसके कारण हम बाहर आ पाए। तो दिस वॉज फर्स्ट, और हम इससे बाहर कैसे आए? बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। सेकेंड था 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। सो इसमें से हम बाहर आ पाए बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल स्टिमुलस। फाइनेंशियल स्टिमुलस के कारण हम इससे बाहर आ पाए। एंड देन COVID-19 का जो पेंडेमिक था, ये तीसरा शॉक था, जब लॉकडाउन हुआ, जो इकोनॉमी थी दैट सफर्ड लाइक एनीथिंग। सो COVID-19 वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कब इसको एज ए पेंडेमिक डिक्लेयर किया? सो COVID-19 वॉज डिक्लेयर्ड एज पेंडेमिक बाई WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ऑन March 11, 2020। और इंडिया में हमने फर्स्ट केस रिकॉर्ड किया केरला के अंदर ऑन January 30, 2020। सो कोविड रिलेटेड फर्स्ट केस वॉज रिकॉर्डेड इन केरला ऑन January 30, 2020। तो ये रिपीट हो गया है, मैं इसको सो वी फेस्ड थ्री वेव्स ऑफ इन्फेक्शंस। तो हमने तीन वेव्स इन्फेक्शन की एक्सपीरियंस की, और इन तीन वेव्स के कारण, फर्स्ट वेव, सेकंड वेव एंड थर्ड वेव ऑफ कोविड, तो जो टोटल केस लोड था हमारा वो वर्ल्ड में एट दैट पॉइंट ऑफ सेकंड हाईएस्ट था। सो टोटल केस लोड इट वाज सेकंड हाईएस्ट, ये सेकंड हाईएस्ट था। टू फाइट द वायरस स्प्रेड, इंडिया इंस्टीट्यूटेड वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट स्ट्रिंजेंट लॉकडाउन इन 2020। सो 2020 में हमने वर्ल्ड का मोस्ट स्ट्रिंजेंट लॉकडाउन, सबसे सख्त लॉकडाउन इंडिया ने इंप्लीमेंट किया। और उसका इंपैक्ट क्या हुआ? सो देयर वॉज सीवियर कॉन्ट्रैक्शन इन जीडीपी। हमारा जो जीडीपी था वो बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुआ। सो दूसरे कंट्रीज जिनका जीडीपी प्रभावित हुआ उसमें अर्जेंटीना, इटली एंड यूनाइटेड किंगडम। तो इंडिया वी सफर्ड द मोस्ट, बट अदर कंट्रीज हु सफर्ड सब्सटेंशियली वर अर्जेंटीना, इटली एंड यूके। चलिए फ्रेंड्स, इसको हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेसन्स के अंदर।
तो आपका अगर कोई क्वेश्चन होगा तो क्वेश्चन को आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। तो एक रिक्वेस्ट मेरी और रहेगी आपसे, ये सेशन आपको कैसा लग रहा है, तो इसके बारे में अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में अगर प्रोवाइड करेंगे तो इसको दूसरे स्टूडेंट रीड करके मोटिवेटेड महसूस करते हैं। तो इस समय आप चैट बॉक्स में हैं, तो चैट बॉक्स में आप कमेंट ना करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मेरी रिक्वेस्ट है सभी से कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। चलिए आज की क्लास को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। इसके तुरंत बाद हम पीपीबी की क्लास को, ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।